नमस्कार मित्रों, दिसदार पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश पोएट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द शाम ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के लेखक एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो हैं। द शाम ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का भजन। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो कहते हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स्ट इज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल। देखिए ध्यान से समझिएगा, लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, रियल मतलब वास्तविक, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चा या फिर दृढ़ संकल्प। तो इसको भी हम कहेंगे कि जीवन सच्चा है, यानी जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, इज है नॉट नहीं, इट्स गोल, इसका उद्देश्य कब्र नहीं है, गोल मतलब उद्देश्य। तो फिर से कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है। डस्ट मीन्स होता है धूल, दो मतलब यू यानी हम आप, डस्ट दो आर्ट, आर्ट ये ए आर ई है, आर मतलब है, डस्ट टू आर्ट, टू धूल है, डस्ट धूल है, जो यानी यू टू आर्ट मतलब है, आर्ट मतलब आर, तो डस्ट दो आर्ट, टू धूल है, टू डस्ट और धूल में रिटर्नेस्ट तू मिल जाएगा, यानी तू धूल है और धूल में मिल जाएगा, यानी आज हम धूल हैं, कुछ समय बाद यानी मृत्यु के पश्चात हम वास्तव वापस से धूल में मिल जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं कि डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तू धूल है और तू धूल में ही मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन, यह कथन नहीं कहा गया है ऑफ द सोल, आत्मा के लिए, यानी तू धूल है और तू धूल में मिल जाएगा, ये कथन आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा तो धूल में नहीं मिलती ना, अगर मिल जाती तो भूत वाली पिक्चरें कैसे बनती भाई ना। इस बात को थोड़ा सा मजाक के दृष्टिकोण से भी समझेंगे, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तू धूल है और तू धूल में मिल जाएगा। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है। नॉट इन्जॉयमेंट, नॉट इन्जॉयमेंट, इन्जॉयमेंट मतलब होता है आनंद, एंड और नॉट सारो, सारो मतलब होता है दुख, ना तो आनंद और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिनाइड, डेस्टिनाइड मतलब होता है भाग में लिखा हुआ, इंड और वे, इंड का मतलब होता है अंत में, यानी अंत में ना तो हमारे भाग में सुख लिखा है और ना ही दुख लिखा है, इज आवर डेस्टिनाइड इंड और वे, यानी अंत में ना तो हमारे भाग में सुख लिखा है और ना ही दुख लिखा है, बट लिखा क्या है, टू एक्ट, कार्य करना लिखा है, दैट ईच टुमारो, जिससे कि प्रत्येक आने वाला कल फाइंड्स अस, हमें मिले, फार्दर देन टुडे, आज से बेहतर। फिर से कि नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना तो सुख और ना ही दुख, इज आवर डेस्टिनाइड इन आवर वे, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन हम एक्ट, बट टू एक्ट That each tomorrow finds us farther than today. But to act, लेकिन हमें कार्य करना है, that जिससे कि each tomorrow, प्रत्येक आने वाला कल finds us farther than today, हमें आज से बेहतर मिले, ठीक है। In the world's broad field of battle, देखिए in the world's broad, broad मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, field मतलब क्षेत्र, of battle यानी यह संसार एक बड़ा युद्ध का मैदान है, बैटल मतलब युद्ध, तो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल अर्थात संसार के इस बड़े
युद्ध के मैदान में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ। बाइवॉक मतलब होता है अस्थाई पड़ाव, जैसे कुछ समय तक हम यहाँ रहते हैं उसके बाद कहीं और जाके रहने लगते हैं, तो ये कहा जाएगा अस्थाई पड़ाव। तो इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ जीवन कैसा है, एक अस्थाई पड़ाव है। युद्ध के, संसार के इस बड़े युद्ध के मैदान में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ जीवन एक अस्थाई पड़ाव है। बी नॉट, हमें नहीं होना चाहिए लाइक डम्ब, हमें गूंगा नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग कैटल्स, ड्राइविंग कैटल्स हाँके जाने वाले जानवरों की तरह हमें गूंगा नहीं होना चाहिए। देखिए, हम जानवरों को जिस तरफ इशारा करते हैं वो उसी तरफ चले जाते हैं, ये नहीं पूछते कि हम क्यों जा रहे हैं। तो वही चीज़ होते हैं कि हाँके जाने वाले जानवरों की तरह हमें गूंगा नहीं होना चाहिए। बी अ हीरो, हमें कैसा बनना चाहिए, एक वीर बनना चाहिए। इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, यानी इस संघर्ष में हमें कैसा बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए। तो फिर से कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार एक विशाल युद्ध का मैदान है, यानी इस बड़े संसार के युद्ध के मैदान में, इन द बाइवॉक ऑफ लाइफ जीवन एक अस्थाई पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल्स, हमें हाँके जाने वाले जानवरों की तरह गूंगा नहीं बनना है। बी आ हीरो इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में हमें एक वीर बनना है। लेट्स अस, चलो तब हम, देन यानी तब, यानी लेट अस देन, चलो तब हम, बी अप, खड़े हो जाते हैं, एंड डूइंग, और कार्य करते हैं। लेट्स अस देन बी अप एंड डूइंग, तब चलो हम खड़े हो जाते हैं और कार्य करते हैं। विथ अर्ट, विथ अ हर्ट, विथ अ हर्ट का मतलब होता है पूरे मन से, यानी पूरे हृदय से। फॉर एनी फेथ, भले ही भाग्य में कुछ भी लिखा हो, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ हर्ट, हम खड़े होते हैं और पूरे मन से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। फॉर एनी रेट एनी फेथ, यानी भले ही भाग्य में कुछ भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, अचीव मतलब प्राप्त करना, सदैव प्राप्त करते रहते हैं। क्या प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करते रहते हैं, सदैव सफलता प्राप्त करते रहते हैं। स्टिल परस्यूइंग, परस्यूइंग मतलब होता है पीछा करना, अनुसरण करना, और सदैव सफलता का अनुसरण करते रहते हैं। स्टिल अचीविंग, सदैव सफलता प्राप्त करते रहते हैं। स्टिल परस्यूइंग, यानी हर सदैव सफलता का पीछा करते रहते हैं। लर्न टू लेबर, कार्य करना सीखते हैं। लर्न मतलब सीखना, टू लेबर, लेबर मतलब परिश्रम करना सीखते हैं। एंड टू वेट, और वेट मतलब होता है इंतजार करना, यानी कोई कार्य करने के बाद उसका फल, हम कहते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वही चीज़ कहते हैं। लर्न टू लेबर, कार्य करना सीखते हैं। एंड टू वेट, और उसके फल का यानी उसके परिणाम का इंतजार करना सीखते हैं। फिर से, लेट्स एंड देन बी अप एंड डूइंग विथ अ हार्ट ऑफ एनी फेथ, तो चलो हम सब खड़े हो जाते हैं और पूरे मन से कार्य करते हैं, भले ही भाग्य में कुछ भी लिखा हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, सदैव सफलता प्राप्त करते रहते हैं, सदैव सफलता का पीछा करते रहते हैं। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखते हैं और उसके परिणाम का इंतजार करना सीखते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।